हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, पीरियड प्रॉब्लम्स कई तरह की होती हैं और महिलाएं, लड़कियां इस पे खुल के बात नहीं कर पाती, ना कहीं पूछ सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर किसी को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। इसी तरह की एक प्रॉब्लम है जो पीरियड से जुड़ी है कि ब्लड में क्लॉट्स आना। अक्सर महिलाएं ये नहीं समझ पाती कि पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आना क्या सही है या फिर सही नहीं है। कई बार पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा क्लॉट्स आने की वजह से महिलाओं की जान भी जा सकती है और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये विषय आप सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी सभी सहेलियों को इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग क्यों होती है, क्या ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत है और इसकी होम रेमेडीज क्या हो सकती है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। सबसे पहले हम जानते हैं पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग क्यों होती है। फ्रेंड्स, ब्लड की क्लॉटिंग होना यानी कि खून का जमना, थक्का बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि खून में उपस्थित अवयव होते हैं वो उसको करते हैं। लेकिन कई बार जब हमें चोट लग जाती है तो हमने देखा है कि खून बहता है, लेकिन थोड़ा खून बहने के बाद खुद ब खुद रुक जाता है, क्योंकि जो खून बहा है उसमें क्लॉटिंग होती है, थक्का बनता है और वो एक नेटवर्क बना देता है जहाँ से एक्सपोजर है, जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है और खून का बहना रुक जाता है। और ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर खून बहता रहा तो खून बहते बहते व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सेम यही प्रक्रिया पीरियड्स के दौरान भी होती है महिलाओं को। लेकिन कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अगर आपको अंगूर के साइज के या फिर गुच्छों में क्लॉट्स पास हो रहे हैं पीरियड्स के दौरान, तो ये जानलेवा होता है और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं, कौन सी ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर वन है हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपोथायराइड है, अगर आपको पीसीओडी है, अगर फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड जनरली फर्टिलिटी एज में महिलाओं के बच्चेदानी के अंदर बनते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस जो बच्चेदानी की आंतरिक परत होती है जहाँ पे गर्भ चिपकता है, ठहरता है, वो जब ओवरग्रो कर जाती है, उसका अत्यधिक ग्रोथ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होती है और अगर ये लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये महिला के लिए जानलेवा हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में महिलाओं को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान जैसा आपको हमेशा होता है, अगर उस तरीके से छोटे छोटे नॉर्मल ब्लड क्लॉट पास हो रहे हैं तो ये तो शरीर की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी महीने आपको पीरियड्स के दौरान बड़े बड़े साइज के, अंगूर के साइज के क्लॉट पास हो रहे हैं या गुच्छों में क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। इसके साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है, आपकी सांस फूल रही है, तो आपको सावधान हो जाना है। कई बार बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में भी महिलाओं को, लड़कियों को ऐसा होता है। तो इसके लिए इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, ऐसे कंडीशन में महिलाओं को शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले हमको एक चीज करनी है कि शरीर में खून की कमी को पूरा करने वाले फूड को लेना है। जैसे कि आप चुकंदर का जूस ले सकती हैं, बीटरूट जूस ले सकती हैं, अनार का जूस ले सकती हैं, या फिर आप इनको खा सकती हैं, पालक खाने में यूज कर सकती हैं, क्योंकि जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर आयरन बहुत अच्छा पाया जाता है। साथ ही अगर कंडीशन ऐसी है कि आपको पीरियड चलते हुए 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से भी ऊपर हो गए हैं और आपको क्लॉटिंग आ रही है, तो आप उसी वक्त डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आपको तुरंत ही जरूरी दवाइयां देने की जरूरत है। साथ ही आप ऐसे कंडीशन में होम रेमेडी के तौर पे सौंफ का शरबत ले सकते हैं, क्योंकि सौंफ का शरबत बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सौंफ के ड्रिंक का वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। आपको सुबह खाली पेट ले लेना चाहिए, जिससे कि आपके पेट की जो गर्मी है वो शांत हो जाए, लीवर जो है वो कूल हो जाए। फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि पीरियड्स में कितनी क्लॉटिंग सामान्य होती है और कब वो खतरनाक होती है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। इसी तरह रोचक जानकारी को देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।